यही फोन है क्या? फोन नहीं, कैमरा है। कैमरा है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई यहाँ पे ढाबे के पास एक पोपट हो गया। हे गाइस, ऑलराइट, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज के इस व्लॉग में आप लोगों को एक व्यू बताने वाला हूँ, जो कि ये व्यू ना नेक्स्ट लेवल का व्यू है। एंड ये व्यू भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है, कुत्ताकोटे के पास ही है। मैं भी इतने दिनों से नहीं देखा यहाँ पे, इतना मस्त व्यू है करके। मैं बस कुछ दिन पहले ये व्यू को देखा, देखने के बाद मैं सोचा कि आप लोगों को व्लॉग में बताना जरूरी है, क्योंकि इतना मस्त आसम नेक्स्ट लेवल का व्यू है ना भाई, तो वहाँ पे जाके व्लॉग बनाना एंड आप लोगों को वो व्यू बताना बहुत जरूरी है। तो ये व्यू देखने के लिए ना हाईवे पे जाना पड़ता है, हाईवे से ये व्यू दिखता है। तो चलो चलते हैं, अपनी एनफील्ड गाड़ी को ले लेके मोटो ब्लॉगिंग करते हुए सीधा चलता हूँ हाईवे पे। हाईवे पे जाके आप लोगों को व्यू बताऊंगा। जुम्मे का दिन है, अभी जश्न नमाज पढ़ लेके आके व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मस्त ब्लैक एंड ब्लैक पहन रखा है, कुर्ता भी ब्लैक है एंड पैजामा भी ब्लैक है, पूरा ब्लैक एंड ब्लैक पहन रखा है। तो चलो निकालता हूँ अपनी एनफील्ड गाड़ी को, मोटो ब्लॉगिंग करते हुए चलते हैं हाईवे पे। हाईवे पे जाके व्यू देखेंगे। थोड़ा लेट हो गया होता तो एनफील्ड गाड़ी नहीं मिलती थी, भैया ले लेके जा रहे थे एनफील्ड गाड़ी को। तो मैं भैया को आवाज़ दिया, भैया एनफील्ड गाड़ी है ना, व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। तो भैया बोले कि ठीक है चल ले लेके जा एनफील्ड गाड़ी, मैं स्प्लेंडर ले लेके जाता हूँ बोले। अगर थोड़ा लेट हो गया होता तो एनफील्ड गाड़ी नहीं मिलती थी, स्प्लेंडर को लेके जाना पड़ता था। स्प्लेंडर गाड़ी भी ठीक है, लेकिन व्लॉग में ना एनफील्ड गाड़ी अच्छी लगती है। मोटो ब्लॉगिंग करते हुए जाता हूँ ना तो एनफील्ड गाड़ी अच्छी लगती है व्लॉग में। बस के पीछे तेलुगु में एक कोटेशन लिखे हुआ है, निदानमे प्रदानमो। हाँ भाई बिल्कुल सही है, यहाँ पे मेरे साइड से भी एनफील्ड गाड़ी जा रही है, लेकिन ये गाड़ी BS4 की है, मेरी गाड़ी BS6 की है। ब्लॉक के सामने पूरा बस ही कवर कर रहा है। यहाँ से लेफ्ट साइड से भी जाके व्यू देख सकते हैं हाईवे पे, लेकिन यहाँ से लेफ्ट साइड से जाऊँगा तो रॉन्ग रूट पे जाना पड़ेगा हाईवे पे। यहाँ से राइट ले लिया, यहाँ से सामने की तरफ जो कि मदर तेरेसा के पास जाके वहाँ पे चढ़ना है मेरे को हाईवे। चौरासा क्रॉस हो गया तो ट्रैफिक ही नहीं मिलती है। यहाँ पे एक गोकुल चार्ट नया लगे हुआ है, पता नहीं गोप्रो का क्या हो गया, 40-50 सेकंड रिकॉर्ड कर रहा है फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। बोल रहा है कि सेटिंग चेंज करो गोप्रो की। पहले जो सेटिंग थी गोप्रो की वही सेटिंग है अभी भी, फिर भी पता नहीं क्यों 40-50 सेकंड का फुटेज ही रिकॉर्ड कर रहा है। माय फर्स्ट व्लॉग यहाँ से अंदर, यहाँ से लेफ्ट साइड से अंदर जाके माय फर्स्ट व्लॉग बनाया था 2023 जनवरी 1 को। उसी दिन व्लॉग बनाया एंड उसी दिन वीडियो को एडिट करके पब्लिश किया था। एक साल कंप्लीट हो चुका है एंड 2023 में ना मेरे बहुत सारे मेमोरीज कलेक्टेड है यूट्यूब पे। मेरे को वीडियो का थंबनेल देखते ही पता चल जाता है कि कहाँ जाके क्या क्या करा है, कौन से टाइम पे क्या किया है, सब माइंड में रिवाइंड हो जाता है वीडियो का थंबनेल देखते ही। ये व्लॉग्स ना एक मेमोरीज है, 2023 में तो बहुत सारे मेमोरीज है, 2024 में भी और भी अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाना है, बना के यूट्यूब पर कलेक्ट करके रखना है। यहाँ पर ये सूरज का भी अच्छा लगता है, ख़ास करके ये टाइम पर। तो भाई यहाँ पे सामने ये जो हाईवे दिख रहा है ना, यहाँ से राइट साइड के रोड पे जाना है। लेफ्ट साइड पे रोड पे जाऊँगा तो कर्नूल आता है, तो इस रोड पे नहीं जाना है। अपने को व्यू देखना है ना, तो वो व्यू देखने के लिए ना यहाँ से राइट साइड के रोड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देख समझ के क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियाँ ना एकदम तेज़ आती है एंड यहाँ पर 3-4 एक्सीडेंट भी हुआ है। तो यहाँ पर रोड क्रॉस करते वक्त देख समझ के क्रॉस करना है रोड को, तो इस तरफ जाना है। एंड ये हाईवे ना सीधा श्रीनगर जाता है। इतना हार्ड क्यों बोल रहा हूँ भाई, हैदराबाद भी तो बोल सकता हूँ। तो ये हाईवे ना सीधा हैदराबाद जाता है, तो अपने को व्यू देखने के लिए यही रोड पे जाना पड़ेगा। जो कि वो व्यू ना कहाँ से दिखता है, एग्जैक्ट मदनापुर की जो ब्रिज है ना, ब्रिज के ऊपर ठहर के यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे देखने से व्यू दिखता है, जो कि वो व्यू ना खेतों का व्यू है एंड कुछ डिफरेंट है भाई, डिफरेंट व्यू है। मेरे को अच्छा लगा, मैं पिछले कुछ दिन पहले देखा था, देख के मैं एक थॉट आया कि आप लोगों को व्लॉग में बताऊँ। यहाँ पे भाई ये व्यू, मैं ये खेत का व्यू ही बात कर रहा था। तो भाई यही व्यू है, चेक कर सकते हो, यहाँ पे खेत है, सामने की तरफ पत्थर है एंड इस तरफ खुली जगह है एंड ऊपर से सनसेट का व्यू। ये सब व्यू ना मेरे को अच्छा दिखा, कुछ दिन पहले मैं देखा तो मैं सोचा कि यहाँ पे आके एक व्लॉग बना सकता हूँ करके व्लॉग को स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ पर आ गया। देख सकते हो भाई कितना मस्त लग रहा है, जो कि ये व्यू ना नीचे की तरफ है एंड मैं जहाँ पर ठहरे हुआ हूँ ना, ये हाईवे पर ठहरे हुआ हूँ, तो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ देखने से ना अच्छा लग रहा है, जो कि खेत का व्यू है, पत्थर का व्यू है, इस तरफ खुली जगह है एंड ऊपर से सनसेट हो रखा है, तो यहाँ पे व्यू अच्छा लग रहा है।
एंड इस तरफ भी देख सकते हो, इस तरफ भी खेत डाल रखा है। ऊपर से ये व्यू के साथ ना, ये हाईवे का व्यू है, हाईवे के व्यू के साथ इस तरफ कुत्ता कोटे का व्यू। यहाँ पे ये जो घर दिख रहा है ना, ये पूरा कुत्ता कोटा है। करविश का हाईवे है, यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। तो आप लोगों को व्लॉग में यही बताना था कि यहाँ से ये व्यू अच्छा लग रहा था करके मैं व्लॉग बना दिया। कुत्ताकोटे के आसपास ही इतने अच्छे व्यू से देखने के, तो समझ लो कुत्ताकोटे के बाहर जाएंगे तो और भी क्या क्या नज़ारे होते हैं भाई, ऑसम नेक्स्ट लेवल के नज़ारे होते हैं अगर कुत्ताकोटे के बाहर जाके देखेंगे तो। तो चलता हूँ अब, थोड़ा सामने जाके आता हूँ, सामने जाके देखता हूँ होटल ढाबा या फिर रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी दिख गया तो वहाँ से कॉफ़ी पी लेके रिटर्न चलता हूँ घर। ब्लॉग बोलते बोलते पालेम क्रॉस कर दिया, ओल्ड शिमला पंजाबी फैमिली ढाबा। तो यहाँ से काफ़ी पी लेता हूँ। यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स तो अच्छे डाल रखे हैं, तो काफ़ी ले लेके यहीं पे चेयर्स पे बैठ के पी लूँगा काफ़ी। तो भाई यहाँ पे ढाबे के पास एक पोपट हो गया, मैं यहाँ पे रुका काफ़ी पीएंगे करके, लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी नहीं मिलती बोल रहे, तो चाय ऑर्डर दे दिया है, चाय ही पी लेता हूँ। क्या बोले जी, फोन है क्या? फोन नहीं, कैमरा है। कैमरा है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से है अंकल? करनी से। अच्छा अच्छा, व्लॉग्स बनाता हूँ मैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सामान जा रहे हैं सामान। अच्छा, कदरी कदरी नहीं है, परगी 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 परगी, राइट राइट। दुआ में याद रखो। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल वाजिद है। कहाँ के? मैं यहीं से जो करीब में कुत्ताकोटा। कुत्ताकोटा के? अच्छा अच्छा, यूट्यूब बनाते हैं। यूट्यूब बनाता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मापाशा। दुआ की गुजारिश। चाय दो ना, एक चाय भी नहीं है। चाय नहीं है। अरे भाई यहाँ पे चाय भी नहीं है, ढूंढ रहा था मैं, दूध नहीं मिला। काफ़ी बोला काफ़ी भी नहीं है बोले, अब चाय भी नहीं है बोल रहे। कैसा फिर, मिलती नहीं मिलती? अब नहीं मिलती, अब दूध आना टाइम लगता। तो चलो भाई, बहुत बड़ा वाला पोपट हो गया, यहाँ पे काफ़ी भी नहीं मिल रही है, चाय पीएंगे करके सोचा, चाय भी नहीं मिल रही यहाँ पे। तो चलो भाई, अब यहाँ पे सामने सामने भी है ना ढाबा, यहाँ सामने ही है ना ये लारी के बाजू में। तो भाई यहाँ पे सामने ही एक और ढाबा है, तो वहाँ से पी लेता हूँ काफ़ी हो या फिर चाय। तो भाई यहाँ पे इस ढाबे में भी नहीं है काफ़ी हो या फिर चाय, और पीछे के ढाबे में भी नहीं है। अभी जश्नो पीछे के ढाबे में भी पूछ के आया, वहाँ पे भी नहीं मिलती बोल रहे। तो यहाँ पे सामने की तरफ एक और ढाबा है, रेड्डी ढाबा है, यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाती होगी, काफ़ी हो या फिर चाय पी लेता हूँ फिर चलता हूँ। अपनी गाड़ी को इधर साइड में लगा दिया, साइड में लगा के पैदल ही जा रहा हूँ, पैदल जाके काफ़ी हो या फिर चाय पी लेता हूँ यहाँ से। सामने फाइनली काफ़ी आ गई। काफ़ी पीना हुआ फिनिश। तो अभी गाइस काफ़ी पी लिया है, काफ़ी तो अच्छी थी। तो अभी गाइस टाइम आ गया यहाँ से जाने का, यू टर्न ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ से सामने थोड़ा और सामने जाके यू टर्न ले लेके फिर सीधा चलता हूँ कुत्ताकोटा। तो भाई मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाह रहा हूँ, कुछ भी सही नहीं चल रहा होता ना लाइफ में, तो चाबी लगा दो गाड़ी पे और निकल जाओ राइड पे। जब तक आप गाड़ी चलाओगे ना, लाइफ की सारी टेंशन भूल जाओगे। तो यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। महबूब नगर रोड से जो हाईवे चढ़ते हैं ना, वहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर दूर तक आ गया। मैं हाईवे चढ़ा था मदर तेरेसा के पास हाईवे चढ़ा था ना, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर तो पक्का रहता है। तो भाई मैं आप लोगों को व्लॉग्स में बोलते हुए आ रहा हूँ कि गद्वाल जाना है, गद्वाल जाके व्लॉग बनाना है, वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है उससे मिलना है करके मैं आप लोगों को व्लॉग्स में बोलते हुए आ रहा हूँ, लेकिन गद्वाल जाने के लिए ना टाइम ही नहीं मिल रहा है। लास्ट संडे ऑलमोस्ट पूरा प्लान सेट हो गया था, ऑलमोस्ट पूरा प्लान रेडी भी हो चुका था। संडे के दिन सुबह मेरे को निकलना था गद्वाल के लिए, फिर भी जो प्लान लास्ट तक आके भी कैंसिल हो गया, क्योंकि कल सैटरडे के दिन गद्वाल जाना सोच रहा हूँ। देखता हूँ गद्वाल गए तक, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ भाई, क्योंकि मैं बहुत सारे व्लॉग्स में बोलते हुए आ रहा हूँ कि गद्वाल जाना है करके, कैंसिल ही होते जा रहा है। तो इसलिए जब तक मैं गद्वाल जाऊँगा ना, तब तक मैं आप लोगों को व्लॉग में बोलता ही नहीं। अब तो अब मैं जाऊँगा गलियों से, यहाँ से राइट ले लेता हूँ। बालू हमारा दोस्त है भाई बचपन का, कुत्ताकोटे की गली में पहली बार मोटो व्लॉगिंग करते हुए जा रहा हूँ,
मैक्सिमम मैं हेलमेट लगा दिया तो रोड पे ही जाके मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन आज जा रहा हूँ गली में मोटो ब्लॉगिंग करते हुए जा रहा हूँ। तो अभी गाइस घर पहुंच गया, मगरिब का टाइम हो रहा है, नमाज जाना है। तो फिलहाल करता हूँ आज के इस ब्लॉग को एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए टेक केयर, बाय। तंबाकू है? तंबाकू, बिहारी तंबाकू। बिहारी तंबाकू।